डाविंची रिजॉल्व और प्रीमियर प्रो दोनों में से कौन सा यूज करना है, दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। पॉइंट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं लैपटॉप यूज करता हूं वो है Asus TUF A15, जिसके अंदर GTX 1650 Ti GPU लगा रहा है, साथ में Ryzen 7 4800H प्रोसेसर लगा हुआ है और 8GB की रैम है। उसके बावजूद मैं जो फुटेज आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं, अभी जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, ये पोको M4 Pro मोबाइल से शूट किया हुआ है, उसके बावजूद इतना क्लियरिटी अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और कौन सा सॉफ्टवेयर मैं इसके लिए यूज किया हूं तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखना, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए बढ़ते पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले आता है इंटरफेस। देखिए, इंटरफेस की अगर हम बात करें तो डाविंची रिजॉल्व का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल स्टक है, लॉक है किस्म से। मतलब आप जितने भी विंडोज़ होती है उनको आप कम ज़्यादा साइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट उसको पूरा मूव नहीं कर सकते, कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे कि प्रीमियर प्रो में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो व्यूइंग वाला विंडो काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, एडिटिंग वाला छोटा, या इफेक्ट वाला विंडो है उसे आप बड़ा कर सकते हो। जिस भी विंडो की साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप प्रीमियर प्रो में आसानी से कर सकते हैं, बट डाविंची रिजॉल्व में नहीं कर सकते। इस वजह जो इंटरफेस की बात है तो वहाँ पे डाविंची रिजॉल्व पीछे है और प्रीमियर प्रो आगे है। नेक्स्ट है तो कलर ग्रेडिंग की बात करें तो देखिए सिंपल इसमें कौन विजेता है बताने की जरूरत नहीं है, डाविंची रिजॉल्व 100% विजेता, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व के आसपास भी एडोब प्रीमियर प्रो नहीं आ सकता, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व स्पेशली जाना जाता है कलर ग्रेडिंग के लिए। इसके अंदर इतने सारे टूल्स है कि आप सोच भी नहीं सकते, देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आपको यूज़ क्या करना है इसके अंदर। कलर ग्रेडिंग मतलब आप चौंक जाएंगे, बट थोड़ा दिन अगर उसको आप यूज़ करेंगे, थोड़े कुछ ट्यूटोरियल्स देख लेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ डाविंची रिजॉल्व में आपको बिल्कुल बारीकी से इसके अंदर आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। स्किन टोन हो या फिर बैकग्राउंड कलर्स हो, हर चीज़ को आप एक एक करके चूज़ करके आप इसके अंदर डिटेल में एडिटिंग कर सकते हो। तो डाविंची रिजॉल्व क्लियर विजेता है कलर ग्रेडिंग के लिए। अगर आप स्पेशली कलर ग्रेडिंग में ज़्यादा वर्क करते हो तो आप डाविंची रिजॉल्व के साथ जाना चाहिए। वर्क प्रो की अगर हम बात करें तो देखिए प्रीमियर प्रो के साथ क्या है, पूरा बंडल है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, Adobe ऑडिशन और मीडिया एनकोडर, ये सारे क्या है एक कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर से। हर सॉफ्टवेयर जो अपने आप में एक महारत हासिल रखता है, मतलब कि पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक उसी काम के लिए बना है। जैसे आफ्टर इफेक्ट की अगर बात करें तो स्पेशली VFX के लिए बनाया गया है, बट डाविंची रिजॉल्व में क्या है आपको एक फ्यूजन टैब मिलता है जो आफ्टर इफेक्ट जैसा ही काम करता है, बट इतना फुल्ली नहीं है जितना कि आफ्टर इफेक्ट्स है। इस वजह से क्या है आपको इधर बहुत से सॉफ्टवेयर्स का सपोर्ट्स मिल जाता है एक साथ में, बस उसे डायनेमिक लिंक के हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ता है। तो एक वर्क प्रो की अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का एक साथ सपोर्ट मिल जाता है Adobe प्रीमियर प्रो में, बट डाविंची में बस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारा डाल रखा है, तो आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जो नोट सिस्टम दे रखा है जो कि बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, और इधर जो है लेयर सिस्टम दे रखा है आफ्टर इफेक्ट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट, देखिए अगर डाविंची रिजॉल्व में अगर कोई क्रैश वैसे होता तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके उसके ऊपर जो ट्यूटोरियल्स बहुत कम मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर आप उसका कोई प्रॉब्लम डालते हो सर्च करेंगे तो बहुत कम वीडियो मिलेंगे, हिंदी में भी और कुछ इंग्लिश में है तो वो भी बहुत कम है। 2-3 चैनल है जो डाविंची रिजॉल्व के ऊपर ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, बट प्रीमियर प्रो की अगर हम बात करें, अगर आप सर्च करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम आया है या ये दिक्कत आपको जा रही है, तो हज़ारों में वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, अलग अलग किस्म के हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसलिए जो सपोर्ट्स की हम बात करें तो Adobe प्रीमियर प्रो के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है यूट्यूब के ऊपर, कोई दिक्कत आने से उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशंस। ये सबसे बड़ी दुख की बात मुझे लगती है कि डाविंची रिजॉल्व के लिए कुछ एक्सटेंशंस है नहीं, बस एक रिएक्टर नाम से आता है, बस उसमें भी कुछ स्पेसिफिक आपको इफेक्ट सब मिलता है जो कि आप फ्यूजन टैब में यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फ्यूजन टैब यूज़ करना आता है अच्छे से तब। लेकिन जैसे कि आप प्रीमियर प्रो की बात करें तो उसमें इतने सारे एक्सटेंशन है, एटोमैक्स है, मोशन ब्रो है, और भी उसके अंदर बहुत से आते हैं प्रीमियर प्रो की तरफ से आने वाले, तो इन सारे एक्सटेंशन की वजह से जो है आपको Adobe प्रीमियर प्रो यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। और दूसरी बात, जितने भी एक्सटेंशन होते हैं इसके अंदर सारे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम होता है, आपने ड्रैग कर दिया और वो इफेक्ट आपके जो टाइमलाइन में आ जाता है और आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम है एक प्रीमियर प्रो के अंदर है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। देखिए ट्रांजेक्शन अभी जितना भी डाविंची रिजॉल्व अपडेट हो रहा है सब में ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, पहले से प्री इंस्टॉल उसके अंदर आते हैं, और आप अलग से भी कहीं डाउनलोड करके अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करके डाल सकते हैं। मेरे पास बहुत से ट्रांजेक्शन हैं डाविंची रिजॉल्व के भी और Adobe प्रीमियर प्रो के भी, आगे इस चैनल्स पर मैं उनको अपलोड करूंगा और मेरी गूगल ड्राइव की लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो ट्रांजेक्शन है ना Adobe प्रीमियर प्रो के अंदर साउंड इफेक्ट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रांजेक्शन लगाया उसके अंदर हुश वाला साउंड है तो वो ट्रांजेक्शन के साथ में ही नीचे साउंड वहाँ पे आ जाता है, बट डाविंची रिजॉल्व में ये सब चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपने ट्रांजेक्शन लगाया तो खाली ट्रांजेक्शन ही है, कोई साउंड इफेक्ट्स उसके अंदर नहीं होता है, आपको अलग से एक वर्क करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपने ट्रांजेक्शन लगाए है वहाँ पर आपको वहाँ पे म्यूजिक देना पड़ेगा। बट प्रीमियर प्रो में ये बात नहीं होती, अलग अलग एक्सटेंशन यूज़ करके आप उसके अंदर कोई अगर ट्रांजेक्शन लगाते हो तो उसके अंदर इंक्लूडेड साउंड होता है। इस वजह से भी मुझे Adobe प्रीमियर प्रो एक अच्छा लगता है, एक पॉइंट अच्छा है। अगर आप कम वर्क करना चाहते हो साउंड इफेक्ट्स पर तो आप Adobe प्रीमियर प्रो के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर स्पीड। देखिए कंप्यूटर स्पीड की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप Adobe प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर GPU एक्सेलरेशन दे रखा है,
बट अगर डैमेज रिजोल्व के साथ जाता हो जो कि फ्री वाला वर्जन है, उसके अंदर GPU एक्सेलरेशन नहीं है, वो खाली CPU का यूज़ करता है, जिस वजह से आपका कंप्यूटर पर ज़्यादा लोड आता है। अगर आपका GPU है तो भी यूज़ में नहीं ले सकता, CPU पर ही पूरा काम करता है, तो लोड आ जाएगा आपके लैपटॉप के ऊपर। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर डैवेंची अगर यूज़ करना है तो स्टूडियो वर्जन, जो कि 26 या 29,000 के आसपास आपको मिलता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए, बट आपको पूरी तरह से उसके ऊपर स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा खर्चा आप कर रहे हो तो पूरी तरह से आपको उसको समझना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट प्रीमियर प्रो के जिस तरह से ट्यूटोरियल्स आपको मिलते हैं सीखने के लिए, वैसे डैवेंची रिजॉल्व के आपके ज़्यादा मिलेंगे नहीं, ये एक दिक्कत है। बट कंप्यूटर की अगर आप बात करें जैसे कि पावर यूजेस की, तो प्रीमियर प्रो आपके GPU का भी यूज़ कर लेगा, CPU का भी यूज़ कर लेगा, बट डैवेंची रिजॉल्व खाली CPU का यूज़ करता है, जो कि फ्री वाला वर्जन है। और इसका क्रैक वैक अभी तक कुछ मुझे मिला नहीं है, जो कि स्टूडियो वाला जो होता है वर्जन वो अभी मिला नहीं, इस वजह से मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, नहीं उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ कि भाई मैं स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ और इसका GPU इतना बढ़िया से काम करता है। तो यही थे कुछ हमने पॉइंट्स निकाले। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको किसके साथ जाना है, डैवेंची रिजॉल्व में जाना है, अगर आप बिगिनर्स हो तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे, डैवेंची रिजॉल्व के साथ या प्रीमियर प्रो के साथ, जरूर कमेंट में बताना, कुछ ना कुछ जरूर से कमेंट करना, या वीडियो मेरा आपको कैसा लगा आप जरूर से बताना। आगे मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स लेके आता रहूँगा, वीडियोज़ आके काफ़ी मिलेंगे इस चैनल पर, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना।